बड़ा क्वेश्चन मार्क, और शायद सारे डिप्लोमा होल्डर्स को इस क्वेश्चन का आंसर का इंतजार रहता है, ये पॉलिटेक्निक 10th के बात करें या 12th के बात करें। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक आप 10th के बाद करो या 12th के बाद करो। उससे पहले मैं बता दूं, अगर पहली बार आप चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, तो कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। करियर में कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप मेरे से डायरेक्टली करियर एजुकेशन पे जाके बात कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बात करते हैं कि क्या मतलब आपको पॉलिटेक्निक 10th के बाद करना चाहिए या 12th के बाद करना चाहिए। देखो कई इसके 2-3 सिनेरियो है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, पैसा नहीं होता है और कि उनके पेरेंट्स उनको 12th भी करा सके, चीजें होती हैं मुश्किल लाइफ में, शायद हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जिसके पास होती है वो वही समझ सकता है। तो अगर आपको लगता है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर पाएंगे 2 साल और, तो आप पॉलिटेक्निक 10th के बाद करिए। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, कॉलेज में जाके बिगड़ मत जाना। कॉलेज में जाकर के 90% लोग बिगड़ जाते हैं, 10% लोग ही जो है सही से काम करते हैं और सही से लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो कॉलेज में जाकर के बिगड़ मत जाना और वहां से अपना करियर स्पॉइल मत कर लेना। तो अगर आप सही से पॉलिटेक्निक करते हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा, दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आपकी फैमिली 2 साल और सपोर्ट करती है तो मैं यही कहूंगा आप 10th के बाद कभी पॉलिटेक्निक करने मत जाओ, आप 12th के बाद पॉलिटेक्निक करने जाओ। 10th के बाद क्या प्रॉब्लम क्या क्या होती है ना, वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप लोगों को जज करने में इजी रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि 10th लेवल पे लोग समझ नहीं पाते, फर्स्ट ईयर में ही कंफ्यूज होने लगते हैं। उनको लगता है मुझे कोचिंग की जरूरत है, मैं कोचिंग नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि जो 12th वाले होते हैं ना, फर्स्ट ईयर जो पॉलिटेक्निक का होता है पूरा 12th ही होता है, जो मैथ होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, 1-2 इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट होते हैं जो थोड़े अलग होते हैं, वो सबके लिए कॉमन होता है। लेकिन मैक्सिमम जो 70% सिलेबस होता है ना पॉलिटेक्निक का, वो 12th वाला ही होता है। तो जो 12th करके जाते हैं ना वो इजिली टैकल कर ले जाते हैं, उनके लिए आसान होता है कि नहीं चलो ठीक है फर्स्ट ईयर थोड़ा एंजॉयमेंट भी कर लेंगे, और जो हमारा गोल है हमें क्या करना है, किस तरह से जाना है, किस तरह से करियर को आगे लेके जाना है, ये सारी चीजें वो डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन जो 10th बेस पे आते हैं ना वो स्ट्रगल करते हैं, उनको लगता है अरे यार मैंने मिस्टेक कर दिया। लेकिन मैं ऐसा बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने मिस्टेक कर दिया। मैंने ऐसे भी 10th वालों को देखा है, एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, कि 10th से पॉलिटेक्निक किया और पास आउट होते ही गवर्नमेंट जॉब में आ गए, 1 साल के अंदर गवर्नमेंट जॉब निकाल लिया, 2 साल के अंदर गवर्नमेंट जॉब निकाल लिया और बहुत अच्छी पोजीशन पे है। तो बाद में उन्होंने 12th भी किया, ग्रेजुएशन भी किया। देखो ग्रेजुएशन तो करना आपके लिए मैंडेटरी है, आज के जमाने में ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है, तो एटलीस्ट आपको ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो डिप्लोमा अगर आप कर रहे हो, डिप्लोमा करने की सोच रहे हो, तो ग्रेजुएशन एटलीस्ट आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप करियर में आगे बढ़ पाओगे, लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो आप लोगों को मैंने दोनों कंडीशन बता दिया, 10th के बाद कौन से लोग कर सकते हैं और 12th के बाद कौन से लोग कर सकते हैं। देखिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मैं यही चाहता हूँ ना कि आप लोग 12th के बाद करने आओ। अगर मेरा ओपिनियन आप लोग पूछोगे तो 12th के बाद ही मैं प्रिफर करूंगा, 10th के बाद मैं नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत लोग परेशान होते हुए मैंने देखा है कि मतलब बहुत परेशान हो जाते हैं कि लगता है पॉलिटेक्निक छोड़ के भाग जाए, मत करें, ये है वो है, क्योंकि दुनियादारी की थोड़ी उतनी समझ नहीं होती। 12th के बाद थोड़ा सा हमें समझ में आ जाता है कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या सही है क्या नहीं सही है, कौन सी चीज करने पे हमें क्या आउटपुट मिलेगा, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे पॉलिटेक्निक करें, किस कॉलेज में जाएं, करियर ग्रोथ कैसे होगा, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क होते हैं। जो 12th बाद थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है, आदमी समझ जाता है। 10th में बहुत लैक ऑफ मैच्योरिटी की वजह से बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप 10th के बाद नहीं कर सकते। जो लोग कर रहे हो डरो मत, हिम्मत रखो, और जो भी प्रॉब्लम आए उसको फेस करके अच्छा रिजल्ट दोगे, ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। ये नहीं कि नहीं अब हम नहीं कर पाएंगे, हमारा करियर बर्बाद हो गया, अरे बाप हम क्या करेंगे, ये वो दुनिया भर के नौटंकी आपके होने लगे। तो नौटंकी नहीं करना है आपको, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना। जिस भी देखो सबके घर की कंडीशन एक तरह नहीं होती है, अगर किसी की फैमिली 10th के बाद सपोर्ट कर रही है कि 10th के बाद आप कर लो, तो मैं तो कहूंगा आईटीआई से बेटर ही आप कर लो, तो बेटर ही रहेगा आप लोगों के लिए। तो बस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। कंसल्टिंग अगर आपको चाहिए करियर से रिलेटेड कोई भी, तो आप वेबसाइट पे विजिट करके करियर एजुकेशन पे डायरेक्टली आप मेरे से कंसल्टिंग सर्विसेज ले सकते हैं। वीडियो में इतना ही, थैंक यू।